तो कब्ज एक कॉमन प्रॉब्लम है। कब्ज सिर्फ बच्चे ने अगर मोशन नहीं किया उसको हम कब्ज नहीं बोलेंगे। दो कंपोनेंट होते हैं, बच्चा जोर लगा रहा है और बच्चे का जो मोशन है वो हार्ड आ रहा है, बिल्कुल गांठें जैसा, न्यूबॉर्न बेबी में गांठें जैसा, पैलेट्स की तरह जो आ रहा है उसको हम कब्ज बोलेंगे। पेरेंट्स इतना पैनिक करते हैं कि हर किस्म की, मतलब वो चाहेंगे कि बच्चे ने अगर एक बार एक दिन 24 घंटे भी मोशन नहीं किया तो उसको किसी तरह से करवाया जाए। सरसों का तेल है, अनारदाना डाल दिया, साबुन का पानी अंदर डाल दिया, ये सब डेंजरस चीजें हैं, बच्चे के लिए हानिकारक है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात होगी बच्चों में होने वाली आम प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज पे। कब्ज से रिलेटेड सारे मिथ्स इस एपिसोड में दूर करेंगे सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी के साथ। लेकिन उससे पहले गुजारिश, इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेहतनामा विद राजेंद्र को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। सो अब बात करते हैं डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी के साथ। एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर महेश, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। बच्चों में कब्ज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ महीने का बच्चा है तो भी होती है, कुछ साल का है तो भी होती है, और मदर के लिए स्पेशली एक चैलेंज होता है कि इसको अब डील कैसे करें। ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी दिन में 3, 4, 5, 10 बार तक मोशन करता है। जब यही बच्चा एक दिन मोशन ना करे तो उसको कब्ज कह दिया जाता है, और अगर 3-4 दिन ना करे तो परेशान तो होगा ही। तो कब्ज एक कॉमन प्रॉब्लम है। कब्ज सिर्फ बच्चे ने अगर मोशन नहीं किया उसको हम कब्ज नहीं बोलेंगे। दो कंपोनेंट होते हैं, बच्चा जोर लगा रहा है और बच्चे का जो मोशन है वो हार्ड आ रहा है, बिल्कुल गांठें जैसा, न्यूबॉर्न बेबी में गांठें जैसा, पैलेट्स की तरह जो आ रहा है उसको हम कब्ज बोलेंगे। मैंने कई बच्चे देखे हैं जो 5 दिन बाद मोशन कर रहे हैं पर मोशन सॉफ्ट है और बच्चे को कुछ नहीं है, वो ठीक उसको है? मैं कब्ज नहीं कहूंगा। वो ठीक है, 5 दिन बाद भी, मतलब 9 दिन बाद, 9 दिन बाद भी मोशन कर रहा है, नॉर्मल मोशन। ये कितने महीने का बच्चा है या कितने साल? जो ये पहले साल वाले बच्चे हैं, पहला साल, तो ये सिर्फ एक दिन बच्चे का मोशन ना करना कब्ज का ठप्पा गलत है। तो जैसा मैंने समझाया, एक बच्चा है जो दिन में 6 बार मोशन कर रहा है और हर बार जोर लगा रहा है और थोड़ी सी बिल्कुल गांठ सी कर देता है, उसको हम कब्ज बोलेंगे, जबकि कर दिन में 6 बार रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझने की जरूरत, ये समझना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप आते हैं कि ये बच्चा 6 बार मोशन किए हैं, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया मोशन हार्ड था या सॉफ्ट था, और मैंने उसको दवा दे दी कि जी इसको तो 6 बार मोशन हो गए, बहुत ज़्यादा हैं, ये दवा दे दीजिए इससे कम हो जाएंगे, जबकि वो पहले ही कब्ज का शिकार है और उसको जो दवा दी है उससे उसको डबल कब्ज हो गई। तो ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, मोशन हार्ड है, सॉफ्ट है, बच्चे को दिक्कत है, बच्चा जोर लगा रहा है या नहीं लगाना। सो फर्स्ट थिंग आइडेंटिफाई कि कब्ज है भी या नहीं। सो अगर अब जो लक्षण आपने बताया वो हैं, कब्ज है, फिर क्या किया जाए कुछ महीने के बच्चे में और उससे ऊपर जो? तो मैं बताना चाहूँगा कि कब्ज एक बीमारी नहीं है, कब्ज एक हैबिट है, तो इसको लेट अस नॉट ट्रीट दिस एज ए डिजीज, इट्स ए हैबिट, या मैं कहूँगा मैल एडजस्टमेंट है इंटेस्टाइन का हमारे खाने के साथ। तो क्या है ऐसा खाने में जिसमें कि कब्ज होती है? शुरुआत करते हैं न्यूबॉर्न बेबी से। हर माँ को मैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब हमारे अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, मैं उनको कहता हूँ आपने 20 से 22 ग्लास लिक्विड पीना, और लिक्विड मींस हर किस्म का लिक्विड, सादा पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ है, दाल का पानी है, सूप है, दूध है, चाय है, एक वैरायटी ऑफ लिक्विड अच्छी क्वांटिटी में ले लें, वो रॉ मटेरियल है दूध बनाने के लिए। वो खाना तो माँ खाएगी, रोटी सब्जी तो उसने खानी है, पर अगर रॉ मटेरियल में पानी नहीं है तो वो दूध नहीं बनेगा, या बनेगा तो बहुत गाढ़ा दूध बनेगा। गाढ़ा दूध जब बच्चे के शरीर में जाएगा और वो जब पचेगा तो उसकी फुट्टियाँ बनेंगी, वो हार्ड होंगी, रिजल्टिंग इन कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहली चीज़ माँ की डाइट। दूसरी चीज़, अगर माँ बच्चा पैदा करने के बाद में सिर्फ घी, पंजीरी, ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ, पीनियाँ ही खा रही है तो फाइबर तो गया नहीं, तो जो दूध उतरेगा वो घी जैसा उतरेगा, उसकी वजह से बच्चे को कब्ज होगी। इसीलिए हम कहते हैं बैलेंस डाइट,
फाइबर, वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन्स, ये सब खाने हैं, पानी पीना है। जब तब वो जो दूध उतरेगा वो पतला पतला सा उतरेगा, जिसको कि बच्चा अच्छी तरह पचाएगा, जो फुटियाँ बनेंगी वो पतली पतली बनेंगी, उससे कब्ज नहीं होंगी। तो प्राइमरीली तो यहाँ से शुरू हो जाता है मामला। तो यहाँ कसूर मदर का होता है, डाइट गलत ली है तो ये होगा ही होगा। दूसरी चीज, अगर बच्चे ने एक दिन भी मोशन नहीं किया तो बहुत सारी लोकल होम रेमेडीज शुरू हो जाती हैं, या बच्चा ज़्यादा रो रहा है। माना एक नॉर्मल बच्चा 5 से 6 बार मोशन करता है तो साथ में गैस भी निकाल देता है, गैस उसको तंग नहीं करती, उसका हाजमा ठीक माना जाता है। जैसे ही बच्चे ने एक दिन तक पूरा मोशन नहीं किया तो वो गैस अंदर ट्रैप हो जाती है, बच्चा रोएगा ज़्यादा और माँ बाप को, ग्रैंड पेरेंट्स को लगेगा कि इसको तो गैस बन रही है, पेट दर्द है, बदहजमी है, और बहुत सारी लोकल होम रेमेडीज शुरू हो जाएंगी। सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी दे दो, जन्म गुट्टी दे दो, जो कि एक डेंजरस टर्न ऑफ इवेंट होता है। पर इससे पहले एक मैं यहाँ रोकूंगी, आई एम सॉरी, जो आपने कहा कि 4-5 दिन भी नहीं अगर स्टूल पास करता तो भी नॉर्मल है, तो फिर वो अगर एक दिन नहीं किया, नहीं तो अगर एक दिन नहीं किया और हार्ड मोशन फंसा हुआ है अंदर, अच्छा, तब प्रॉब्लम वाली बात है, फिर दिक्कत आनी शुरू होगी। पर अगर मदर प्रॉपर डाइट ले रही है और ये कब्ज हो रही है सिर्फ इंटेस्टाइन की इनएक्टिविटी की, कब्ज के 2 कारण होते हैं। एक तो होते हैं कि आपने जो खाया पिया बच्चे के शरीर में गया उसमें फाइबर मात्रा की चीज़ नहीं थी, पानी की मात्रा कम थी, फुटियाँ हार्ड हो गई, कब्ज हो गई। दूसरा होता है कि सब कुछ ठीक था पर इंटेस्टाइन ही इनएक्टिव है, बच्चे की इनएक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन है। तो ऐसे में दूध जो मुंह में गया उसको नीचे तक ट्रैवल करने में डबल टाइम लगेगा, ट्रिपल टाइम लगेगा, राइट। और धीरे 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 उसकी मोशन थोड़ी सी फर्म बन जाएगी बट हार्ड नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। ये वही बच्चे हैं जो 4 दिन बाद मोशन कर रहे हैं पर मोशन सॉफ्ट है, जोर नहीं लगा रहा, बच्चा परेशान नहीं है, कब्ज नहीं कहलाया जाएगा। ये नोटिस करने की जरूरत है। और वो जो जन्म घुट्टी पे हम बात कर रहे थे, जन्म घुट्टी या वो बत्ती डाली जाती, साबुन की बत्ती, वो अनारदाना भी, कुछ होम रेमेडीज जो हम इस्तेमाल करते हैं। वंस अगेन पेरेंट्स इतना पैनिक करते हैं कि हर किस्म की, मतलब वो चाहेंगे कि बच्चे ने अगर एक बार एक दिन 24 घंटे भी मोशन नहीं किया तो उसको किसी तरह से करवाया जाए। तो वो उसको वॉश बेसिन पे ले जाएंगे और उसको करवाने की कोशिश करेंगे। जब वो नहीं हुआ तो सिंपल चीज़ है कि थोड़ा सा तेल लगा दिया जाए बच्चे के एनस में, या बच्चे के एनस में सोप वाटर कुछ डाल दिया जाए, या कॉटन बट से या फिंगर से थोड़ा सा रेक्टल स्टिमुलेशन कर दिया जाए। जब तक ये ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो बच्चे के लिए हानिकारक नहीं है, जैसे थोड़ा सा वैसलीन, पेट्रोलियम जेली लगा दिया, कोई बात नहीं, वो हेल्प करेगा। पर ये जो सरसों का तेल है, अनारदाना डाल दिया, साबुन का पानी अंदर डाल दिया, ये सब डेंजरस चीज़ें हैं, बच्चे के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज़ है ऊपर से, ऊपर से हम जन्म गुट्टी देते हैं। जन्म गुट्टी की बड़ी कॉमन वो है कि जब भी बच्चे को कब्ज़ हो और बच्चे को गैस बन रही है, पेट दर्द हो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा इरिटेबल है, जन्म गुट्टी दे दीजिए। जबकि जन्म गुट्टी बिल्कुल उल्टा ही करती है। जन्म गुट्टी में कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसमें कि डोडे का पानी भी होता है, जबकि लिखा बहुत कुछ होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ को, नशा सो उसको लेके इसीलिए बच्चा सो सा जाता है। ठीक है, और माँ बाप को लगता है पिलाओ और बच्चा आराम से सोएगा, बट उसका जो साइड इफेक्ट है वो कब्ज है। सो इसलिए ये सारी चीजें जिनका कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है वो ना दी जाए तो बेटर है। अगर माँ के अपने खाने को बदल देने से, पानी की मात्रा बढ़ा देने से, फाइबर की मात्रा बढ़ा देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो क्या जरूरी है हम बच्चे के शरीर में केमिकल डालें? क्यों करें ये सब हम? सो यहाँ मदर को एफर्ट करने की जरूरत है। लेकिन अब जब 1 साल से ऊपर का बच्चा है जो ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है, उसको भी कॉन्स्टिपेशन है, वो कैसे ट्रीट की जाए? सो वंस अगेन 2 चीज़ें, क्या डाइट में फॉल्ट है या बच्चे की आंतों में फॉल्ट है। 90% बच्चे जिनको कब्ज होती है उसमें कोई भी फिजिकल कारण कब्ज का नहीं होता है, एक डाइट की गलती और एक इंटेस्टिनल एक्टिविटी, ये 2 चीज़ें हैं, और एक रूटीन जी, कि बच्चे का रूटीन ही नहीं है एक प्रॉपर टाइम पे मोशन करने का, ये कारण होते हैं कब्ज के। टॉयलेट ट्रेनिंग एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है बच्चे की एक इंटेस्टिनल एक्टिविटी का रूटीन बनने का।
कई बार देखा गया है पेरेंट्स बहुत अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं 6 महीने की उम्र पे, विच इज़ रॉन्ग, चाइल्ड इज येट नॉट रेडी. 18 महीने, 15 से 18 महीने इज द राइट टाइम जब बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठता है, जिसको कि आप टॉयलेट सीट पे बिठा सकते हैं, जिसका कि आप अटेंशन ले सकते हैं कि चलो आप किताब पढ़िए और यहाँ बैठिए 10 मिनट 15 मिनट दिन में एक बार दो बार. तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ ये पॉटी सीट पे बिठाने को भी एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाइए. आप बच्चे से बात करिए, बच्चे से मजाक करिए, बच्चे को किताब पढ़ के सुनाइए और उसका अटेंशन डाइवर्ट करिए जब वो पॉटी की सीट पे बैठा है. अपने आप जब वो बैठेगा प्रेशर डेवलप होगा और वो पॉटी कर लेगा. एक बच्चा जो हिचकिचा रहा है, जो ऑलरेडी उस चीज़ को अपोज कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करना मीन्स उसने पॉटी को होल्ड कर लेना है और कब्ज़ बढ़ जाएगी. सो जो ये बच्चे अपने मोशन को होल्ड करते हैं, नहीं करना चाहते, पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बच्चे के शरीर में पानी की मात्रा जा ही नहीं रही, फाइबर की मात्रा जा ही नहीं रही है, टोटली फॉल्टी डाइट है, एक्सेसिव मिल्क इनटेक है, दीज आर द बेबीज जिनमें कब्ज़ होगी ही होगी. मिल्क इनटेक, ज़्यादा दूध. तो कहा गया है पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ दूध लेना है, 6 महीने से साल की उम्र में माँ का दूध भी लेगा और खाएगा पिएगा भी. 1 साल की उम्र के बाद में बच्चे की दूध इनटेक 10% होगी, 90% वो सॉलिड खाएगा. यहाँ हमें जो बच्चे देखने को मिलते हैं वो 90% दूध पे होते हैं, 10% सॉलिड पे, और वो दूध भी ऊपर का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध. जब वो डाइजेस्ट होगा उसकी फुटियाँ बनेंगी, वो बिल्कुल हार्ड मोशन बनाएंगी. सो मेजर मेजर कॉज कब्ज़ का है एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ मिल्क एंड लो कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, वाटर. यहाँ सुधार की जरूरत है. और फिर भी अगर कोई तकलीफ हो तो कोई मेडिसिन भी दी जाती है? यस. तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पहले मैं डाइट को इम्प्रूव करूँ, बच्चे के रूटीन को बनाने की कोशिश करूँ. पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि मोशन करने से इतना कतरा रहा है, उसका मोशन इतना हार्ड हो चुका है कि बच्चे को ज़ख्म बन गए हैं, बच्चे को ब्लड निकला है, बच्चा रो रहा है, वहाँ पर मैं कोई दवा ऐसी देने की कोशिश करूँगा जो कि मोशन को सॉफ्ट कर दे. तो बहुत सारी सेफ़ दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि फाइबर के फॉर्म में होती हैं, जो शुगर्स के फॉर्म में होती हैं, जिससे कि बच्चे की मोशन को सॉफ्ट किया जा सके. किचन से कुछ दे सकते हैं, घर की कुछ होम रेमेडीज हैं? सो होम रेमेडीज़ में सबसे पहले कहा जाता है कि 2 साल से बड़े बच्चों को हम अगर थोड़ा सा शहद दे दें तो मोशन सॉफ्ट हो जाता है. अंजीर बहुत ही बढ़िया चीज़ है मोशन को सॉफ्ट करने के लिए. हाँ, एक अंजीर. यस. फ्रूट्स में चीकू, पपीता एंड सॉफ्ट पियर, बबू गोशा मदद करते हैं पॉटी को सॉफ्ट करने में. इसके अलावा थोड़ा सा शुगर इंटेक हम बढ़ाएंगे अगर, सो सादा पानी, अगर रू अफज़ा दे दिया थोड़ा सा, हमने नींबू पानी दे दिया, सूप्स दे दिए, सैलड्स दे दी, तो उसमें मोशन सॉफ्ट होने में मदद. वो जो इसबगोल देते हैं, सो इसबगोल एक दवा है. और इसबगोल दूध में डाल के या दही में डाल के? नहीं, क्या होता है? वो एक मिथ है कि अगर हम दूध में डाल के देंगे तो मोशन सॉफ्ट हो जाएगा. तो कब्ज़ में इसबगोल दूध में डाल के दिया जाता है, और किसी बच्चे को अगर डायरिया है तो वही इसबगोल दही में डाल के दिया जाता है. इसका कोई साइंटिफिक सेंस नहीं है. केमिकल तो शरीर में सेम जा रहा है, फाइबर तो सेम जा रहा है, सिर्फ दूध और दही के डालने से कैसे इफेक्ट अलग हो तो सकता है? तो वो दे सकते हैं कि नहीं? इसबगोल इस्तेमाल होता है, इसबगोल से भी बेटर फाइबर्स आ गए हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में. प्राइमरी दवा वो मानी जाती हैं, बट देन अब बहुत सारे बेटर प्रोडक्ट्स आ गए हैं देन इसबगोल जो कि इस्तेमाल होते हैं. एनी मैसेज? मैसेज यही है कि शुरुआत होती है पहले दिन से. मैं कहूँगा माँ को पहले दिन से, पहले हफ्ते से अपनी वाटर इनटेक 20 to 25 glasses रखें, फाइबर की मात्रा अच्छी रखें, और ये जो हाई कैलोरी हाई फैट वाली दवा जो खाना है उसको अवॉइड करें. और एक रेगुलर पॉटी ट्रेनिंग का रूटीन बनाने की कोशिश करें, पर उसमें एक लड़ाई ना बन जाए बच्चे और माँ बाप के बीच में. मेक इट ए प्लेजरेबल. अब तो सुबह के 8 बजे आप बैठना ही वो नहीं होना चाहिए, बट कोशिश करनी चाहिए. यस, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए. उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार भी साबित होगा. और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. शुक्रिया.